गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट चैप्टर 10 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2. लेट्स रीड द फर्स्ट पैरा. द सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट 1930 एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू अटेंड स्वराज विदाउट पुटिंग अप ए फाइट एट द अहमदाबाद सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. द एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसाइडेड टू लॉन्च ए मोमेंट टू अटेंड स्वराज बाई ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ इन ए डिसिपल वे एंड इट्स ऑथोराइज गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फॉलोइंग द महात्मा, यानी किस तरह से हमने महात्मा को फॉलो करके जो है एक मूवमेंट की शुरुआत की थी, यानी एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसमें हमको ब्रिटिशर के खिलाफ जीत मिली थी. ठीक है, तो इसमें आता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं. और इस मूवमेंट की शुरुआत किस तरह से हुई थी, तो अहमदाबाद के सेशन मीटिंग में, यानी जब अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थे उन्होंने डिसाइड किया था कि एक हम आंदोलन करेंगे जिसमें हम कौन से लॉ को तोड़ने की कोशिश करेंगे. कुछ ऐसे लॉ जो बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते सही नहीं थे, और उसी लॉ को तोड़ने के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था. और ये आंदोलन में ज़रा भी हम बोल सकते हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था. ठीक है, सब अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और इसके मेन हेड थे गांधी जी. ठीक है, जिसने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की. अब गांधी जी डांडी मार्च की बात करेंगे. गांधी जी ने डांडी मार्च में क्या क्या चीज़ें की उसमें हम देख सकते हैं. तो डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 को. ठीक है, और इसमें कौन से कानून को तोड़ने की बात हुई थी, तो सॉल्ट लॉ की, जिसमें नमक पे जो है टैक्स लगाया गया था, जिसके वजह से पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि वो गरीब लोग जो है वो अपने खाने में कम से कम ये खाली नमक ही इस्तेमाल करते हैं, और ये नमक में भी जो है अगर टैक्स लग जाएगा तो उनकी कीमतें, यानी उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, यानी सेविंग्स नहीं बचेगी, और वो अपना घर किस तरह से चलाएंगे. तो ये चीज़ जब गांधी जी को पता चली और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को पता चली तो उन्हें ये बहुत ही बेकार लॉ लगा. ठीक है, और इसीलिए गांधी जी ने फिर दांडी मार्च की शुरुआत की 1930 को. ठीक है, और इसमें जहाँ से, यानी कहाँ से चालू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से जो है डांडी मार्च तक पहुँचने के लिए, और वो भी पैदल जो है डांडी मार्च किया गया था, यानी मार्च किया गया था जिसमें लोग जो है चल चल के डांडी तक जा रहे थे. ठीक है, अब ये डांडी कहाँ आया, तो सूरत में आया. सूरत के आसपास जो है ये लॉ को तोड़ा गया था. तो अब देखते हैं हम किस तरह से डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी. तो देखो, डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से. ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग में अगर बात करें साबरमती आश्रम से कितने लोग आए थे, तो 78 कंपेनियंस आए थे, और 12 मार्च 1930 को ये, मतलब हम बोल सकते हैं, रैली निकली थी. ठीक है, और मीटिंग वेयर हेल्ड इन एवरी विलेज, और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पे एक एक मीटिंग रखी जा रही थी, और इसके बाद लोग जो है उनके साथ जुड़ते जा रहे थे. ठीक है, और गांधी जी जो है लोगों को इसके बारे में बता रहे थे कि ये लॉ क्यों तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसके बारे में वो बता रहे थे लोगों को, और वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम हमारा साथ दो. ठीक है, इस तरह का. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेंडिंग स्वराज एंड गांधी जी रीच दांडी ऑन 5 अप्रैल. तो देखो, 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ गांधी जी ने ये मार्च की शुरुआत की थी, और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पे एक एक मीटिंग करते जा रहे थे और लोगों को अपने साथ जोड़ते जा रहे थे. ठीक है, और गांधी जी डांडी कब पहुँचे थे, तो 5 अप्रैल 1930 को, और उसके बाद 6 अप्रैल को जो है उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था, यानी वो कानून, नमक का कानून जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया था. और जब नमक का कानून टूट रहा था उस समय पर गांधी जी ने अपने हाथ में एक मुट्ठी सॉल्ट लिया था और उसको ऐसे छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि नमक का कानून तोड़ दिया, इस तरह का. ठीक है, आई एम सेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. फार्मर्स, ट्रिबल्स एंड वुमेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मोमेंट एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रह वर अरेस्टेड. ठीक है, अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला कि गांधी जी के साथ इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे लोग सत्याग्रही को जो है अरेस्ट कर लिया था. ठीक है, और उसके बाद हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैप दिया जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से साबरमती आश्रम से जो है डांडी तक जो है डांडी मार्च किया गया था. ठीक है, उसके बारे में और इसकी रास्ते के बारे में वो मैप में दिया हुआ है. अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है थिंग्स टू नो में. दर्शना विलेज वॉज ए बिग सेंटर फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, हैंस गांधी जी अनाउंस दैट ही वुड डू सत्याग्रह ओवर देयर टू.
ठीक है। तो देखो दर्शना गांव जो था वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती थी, इसलिए गांधी जी ने वहाँ पे अनाउंस किया था कि हम सत्याग्रह वहाँ पे भी सत्याग्रह के लिए वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। और गांधी जी एंड अब्बास तैयब जी वेयर अरेस्टेड, सो द लीडरशिप ऑफ द दर्शना सत्याग्रह वॉज गिवन टू द सरोजिनी नायडू। और उसी जगह पर यानी जब दर्शना गाँव में गांधी जी और अब्बास तैयब जी गए थे और उस समय पर गांधी जी और अब्बास तैयब जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद लीडरशिप किसने संभाली थी, तो सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सरप्रेस द सत्याग्रह विथ अटर क्रूएल्टी एंड 300 सत्याग्रह वेर वॉन्डेड एंड 2 डाइड, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सत्याग्रह को जो है तोड़ने के लिए क्या किया गया था, तो जितने भी सत्याग्रह थे उनके ऊपर जो है अटैक करा गया था, यानी लाठी चार्ज ये सब चीज़ें की गई थी, जिसमें 300 से ज़्यादा जो है सत्याग्रही जो थे वो घायल हो गए थे और 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी, ठीक है। और ये सत्याग्रही फिर भी जो है पीछे हटे नहीं थे। सेकेंड पैराग्राफ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्फर्म्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इंडिया, एंड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट, एंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंडन, गांधी जी अटेंडेड इट एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वेयर मेड, एंड गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विथ दिस एंड सीन्स इट्स वुड सेगमेंट इंडिया। अब यहाँ देखो क्या है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी एक तरह की मीटिंग थी जिसमें गांधी जी और बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, ठीक है। और ये इसका मेन मकसद था कि जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल में यानी जितने भी रूल्स है उसमें चेंजेस किया जा सके जो इंडिया के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो पूरी तरह से नाकामयाब हुआ था, और इसीलिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था यानी बैन कर दिया था। और जो सेकेंड राउंड टेबल था, ठीक है, वो 1931 को रखा गया था लंदन में, और उसमें खाली गांधी जी एक थे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। तो वो अकेले ही रिप्रेजेंटेटिव थे। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि एक डिमांड रखा गया था कि जो भी इलेक्टोरेट यानी जितने भी हैं ना इलेक्शन के लिए जो भी लोग आएंगे ना, उन दलित लोगों के लिए और दूसरे अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग जगह होगी जहाँ पर वो अलग अलग वोटिंग कर पाएंगे, यानी जो दलित लोग होंगे उनके लिए अलग से वोटिंग की जगह बनाई जाएगी और वहाँ पर वो वोट डालेंगे। तो ये चीज़ गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और फिर गांधी जी ने जो है उस कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ दिया, ठीक है, और उसका डिसीजन मानने से पूरी तरह से मना कर दिया, ठीक है। लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटी डिड नॉट एग्री एंड हैंस द कॉन्फ्रेंस हैड फेल्ड, और इसी तरह से बहुत सारे लीडर्स जो थे इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हो गए, और इसी तरह से और भी दूसरे कम्युनिटीज थे वो भी मानने को मना कर रहे थे, और इसी तरह से सेकेंड राउंड टेबल भी जो है पूरी तरह से फेल हुआ। थर्ड पैराग्राफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वॉज द सेकंड पेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया, बट इट्स टर्न आउट टू बी एन इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटेड फॉर द नेशनलिस्ट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिसएग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस एट द प्रोविजनल लेवल वॉज क्वाइट लिमिटेड, एंड द प्रोविजनल गवर्नर्स रिटेन्स इंपोर्टेंट रिजर्व पावर, एंड द ब्रिटिश अथॉरिटी ऑल्सो रिटेन ए राइट टू सस्पेंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वॉज वेयर गिवन ए वेरी लिमिटेड अथॉरिटी एंड दिस was against their expectations। अब यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट बनाने की बात हुई थी इंडिया में, तो ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद हमने देखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बताया कि उस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स बनाए गए उसमें ज़्यादातर पावर जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास है और हमारे इंडियन अथॉरिटीज़ के पास ज़्यादा पावर्स है नहीं, तो ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ से जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, यानी इंडिया के लोगों को ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, और ज़्यादा पावर किसके पास थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ थे उनको ही ज़्यादातर पावर्स दी गई थी। और इसीलिए जो है यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने जो है ये चीज़ को मानने से मना कर दिया, ठीक है। और हैज़ पर द एक्ट इलेक्शन वॉज हेल्ड एंड गांधी जी सजेस्टेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेटिव ओनली इफ इट इज गारंटीड दैट द गवर्नर वुड नॉट एक्सरसाइज द एक्सक्लूसिव पावर ग्रांटेड टू दैम एंड एक्ट हैज़ पर द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड प्रोविंशियल मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और उसके बाद गांधी जी ने ये सजेस्ट करवाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
तभी फेडरल लेजिस्लेटिव बना सकती है और इलेक्शन तभी होगा जब गवर्नर ज़्यादातर अपना, यानी जो ब्रिटिश गवर्नर है वो ज़्यादातर अपना पावर ना दिखा पाए, ठीक है, और ज़्यादा अथॉरिटीज़ हमारे पास हो, तभी जाके हम इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी एग्रीड विद सर्टन क्लैरिफिकेशन एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इसी तरह से सब मान गए और जो मुस्लिम लीग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो सब लोगों ने फेडरल लेजिस्लेटिव बनाया और एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविंस स्वराज कंटिन्यू फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो करा गया था वो 2 साल तक चला। और व्हेन द वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट इन द ईयर 1939 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडिया हैज अ पार्ट ऑफ इट्स एंड विदाउट कंसल्टिंग द फेडरल लेजिस्लेटिव साइन ऑफ प्रोटेस्ट द कमिटी रिसाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1939 में, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है, और वो हमारे साथ है, इस तरह का बोला है, ठीक है। तो इसी तरह से फेडरल लेजिस्लेचर से कोई भी परमिशन नहीं लिए गए, ना ही उनसे कोई बातचीत की गई, इसी की वजह से पूरी कमेटी जो है वो रिज़ाइन कर देती है, ठीक है। यानी इसलिए जितने भी वहाँ पे थे, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तुम्हें क्या करना है, तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की, वो कंप्लीट करनी है अपने नोटबुक में। थैंक यू।